नमस्कार दोस्तों। हाल ही भारत सरकार ने जो पुराने धाराएं थे, जो ब्रिटिश काल जो अंग्रेज बनाए थे धारा, उन धाराओं को बदल कर नए धारा लागू कर दी है, जिसमें से कुछ प्रमुख धाराएं हैं। अगर आप हत्या करते हैं तो पहले 302 धारा लगती थी, लेकिन अब छिनौती पर 302 धारा लगेगी। वही अगर आप धोखाधड़ी किसी से करते, धारा 2420 के तहत लगता था, लेकिन अब धारा 316 लगेगा। अगर आप कोई किसी का अपहरण करता है तो धारा 362 के लगता था, लेकिन अब धारा 135 लगेगा। अगर कोई किसी का बलात्कार करता है तो धारा 375-76 लगता था, लेकिन धारा अब 63 लगेगा। अगर कोई छिनौती करता तो धारा 356 पहले लगता था, लेकिन अब धारा 302 लगेगा। पहले हत्या पर धारा 304 भी लगता था, लेकिन धारा अब 799 लगेगा। पहले भीड़ भाड़ हंगामा कोई कर देता धारा 144 लगता था, लेकिन अब धारा 187 लगेगा। पहले मानहानि के लिए धारा 499 और 500 लगता था, लेकिन धारा अब 354 लगेगा। पहले राजद्रोह कानून धारा 24 लगता था, लेकिन अब धारा 150 लगेगा। दोस्तों, राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह हो गया है। यहाँ पर राजद्रोह नहीं, अब देशद्रोह धारा लगेगा, जो धारा 150 लगेगा। और कोई देश विरोधी गतिविधियाँ करता धारा 221 के तहत लगता था, लेकिन धारा 146 लगेगा। और कोई देश के खिलाफ प्रकरण रचता है तो धारा 121 लगता था, लेकिन धारा अब 145 लगेगा। अगर कोई आत्महत्या के लिए घुसाता है किसी को तो धारा 306 लगता था पहले, लेकिन अब धारा 106 लगेगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा।